आप मन में एक प्रतिक्रिया होने लगती है जो कोई भी उनको सुनते हैं, और ये प्रतिक्रिया होती है कि कहां 10 साल में आपने देश को पहुंचा दिया है, कहां आगे ले जाना है। अगर बीजेपी के भीतर देखें तो पहले विनेबिलिटी जिसकी होती थी उसको आप टिकट देते थे, कहते थे कि जीतने वाले को देंगे, और इस नारे के साथ आपने एक तबके को, मुस्लिम तबके को टिकट देना बंद कर दिया, उसमें आपको विनेबिलिटी फैक्टर ही दिखना बंद हो गया। और अब यहां तक पहुंचे हैं कि भ्रष्टाचारी हो या सीबीआई जांच कर रहा हो किसी के खिलाफ, तब भी उसको हम उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो दरवाजे आपने भ्रष्ट लोगों के लिए खिलाफ भी खोल लिए और डंके की चोट पर खोल लिया, यानी भ्रष्टाचार आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सब लोग भ्रष्ट रहे, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। यहां तक आपने अपनी अपनी पार्टी को पहुंचा दिया और देश को जहां तक पहुंचाया वो दिख रहा है कि 2 लाख से ज्यादा, फिगर मैं बुला रहा हूं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आपने ले डाला है। यहां तक कि जो पेट्रोलियम पदार्थों का यहां आपने एक संचय किया था, रिजर्वायर बनाया था, उसको भी विदेशों को कहा कि आप ले जाइए, हम आप बेचिए बाजार के दाम पर। ये चुनाव के समय में अभी फैसला लिया है। ऐसे बहुत सारे फैसले कोरोना के समय में लिए गए, बाद में लिए गए फैसले ये बताते हैं कि देश को कहां पहुंचा दिया है। मणिपुर, आपने गुजरात का मॉडल मणिपुर में दिखाया, और आने वाले 10 साल में क्या पूरे गुजरात और मणिपुर, ये दिमाग में प्रश्न उठता है। हर जगह जो नारे लगते हैं, अभी मेरठ में जो क्या नारा लगाया कि कब्र, ये क्या नाम है, योगी जी ने नारा लगाया, 2 शब्द उन्होंने दिए, कौ से, मैं देखिए जुबान से निकल गया, याद आने पर मैं बोलूंगा, यानी वो नफरत के इस पर जा रहे हैं, कर्फ्यू और था कुछ, आप लोगों को याद है तो बोल दे, कर्फ्यू और कांवर, कांवर शायद, हाँ कांवर, क्षमा कीजिए मुझे याद ही नहीं आ रहा था, कर्फ्यू और कांवर जैसा, यानी रोज का सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां मोदी जी के सामने योगी जी कह रहे कि कर्फ्यू और कांवर मुद्दा है, वहां पर आप देश को ले जा रहे, देश का संघीय ढांचा तार तार हो रहा है। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई कि राज्यपाल हमारे विधेयकों को कानून बनने नहीं दे रहे। एक मिनट शकील जी को आप सीबीआई, सीबीआई कुमार जी, जी शकील जी, जी रहे हैं, योगी जी ने ये कहा था कि ये बताओ कि तुम्हें कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है, रोजगार रोटी का कोई विकल्प नहीं है, कांवड़ या कर्फ्यू, ये बोला था। जी जी जी, बहुत सही हस्तक्षेप किया, शुक्रिया आपका, बहुत सही हस्तक्षेप किया, और कोई विकल्प ही नहीं, या तो कांवड़ चलाइए या फिर कर्फ्यू लीजिए, यही विकल्प आपके पास है, तो वहां आप देश ले जा रहे। संघीय आपका तितर बितर हो गया है, और केंद्रीय एजेंसियों की तो आपने ऐसी बात लगा दी है कि केंद्रीय एजेंसी का कब क्या रुख होगा खुद उन्हें नहीं पता। आप सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे, 2-3 फैसले लगातार, आज तो दिल्ली में जो निचली अदालत है, दिल्ली हाई कोर्ट है, वहां पर ईडी को फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पड़ी थी कुछ दिनों पहले कि ईडी जो है वो आप ये केस समझे कि कौन उसके लायक है और उसको अंजाम तक पहुंचाए। किसी भी केस को आप ले लेते और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते, फटकार लगाई है कि क्या केस लेना ये तो सीखिए। और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई आप बार बार पूरक चार्जशीट लेकर के किसी को जेल में रखने का जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। ईडी किस तरीके से आज लाचार दिखी, संजय सिंह को जमानत मिली वो भी सबके सामने है। तो ईडी किस तरीके से सरकार के कहने पर कर रही है सबको दिख रहा है। अपने संवैधानिक संस्थाओं की ये इतिश्री कर दी है। जो आईटी कह रहा था कि कांग्रेस का को उनका खाता सीज कर लेंगे, हम उसको दफ्तर में ताले लगवा देंगे,
सारे पैसे की रिकवरी करेंगे, वो आईटी अचानक उसको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गया कि भाई इलेक्शन तक हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फिजा अचानक से देश की बदली है वो नरेंद्र मोदी जी को अगले 10 साल के लिए और देश बर्बाद करने का अवसर नहीं देने जा रही है, वो फुल स्टॉप लगाने जा रही है, वो देश में रामदेवों की चलने नहीं देने वाली है। बहुत हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये क्यों होने दे रही थी, जो रामदेव झूठ फैला रहे थे क्यों नहीं रोका, खुलेआम कहा। तो अब ये सारी बातें जब अदालत कह रही है, जब एजेंसियां करने लगी है, उसमें सिम्टम्स दिखने लगे। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जन राजनीतिक पार्टी मुद्दे नहीं बनाती है, मुद्दे तो दूसरी जनता बनाती है। अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि बीजेपी भ्रष्ट है तो जनता उससे नहीं प्रभावित होती है, लेकिन जब संवैधानिक संस्थाने बोलने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट बोलने लगे कि विपक्ष पर आरोप गलत है और दूसरा कोई भ्रष्ट है, तो जनता उसको मुद्दा बनाती है, जनता अपने आप मुद्दा खड़ा करती है, तो राजनीतिक दल उस मुद्दे को पकड़ते हैं। छात्र जब आंदोलन करते हैं तो वो मुद्दा पार्टी का होता है। अग्निवीर का मुद्दा क्या, कांग्रेस ने थोड़े पकड़ा, पहले युवाओं ने पकड़ा, पहले नौजवानों ने पकड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये राजनीतिक दलों का काम होता है। तो देश में हर मोर्चे पर जो जिस तरीके से फिजा बदली है, एक्शन हुआ है, और ये अचानक नहीं हुआ, होता है जैसे दूध पानी आप गर्म करते हैं, गर्म होना शुरू होता है, एक पॉइंट आता है जब बॉयल होने लगता है, जिसको बॉयलिंग पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट आता है जब इवेपोरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, उसको वेपोरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है, ये मोदी रुकता क्यों नहीं है। अरे कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है, हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है।